جي السلام عليكم. السلام عليكم دوستو، كيف حالك؟ ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی جا رہا ہوں خالی روڈ پہ، کیونکہ جو ویڈیو انٹر کام ہوئی تھی اس کو فٹ کرنا ہے. मैं पहुंच चुका हूं कली रोड पे और यहां पे आके एक बहुत एक डिफरेंट फीलिंग आती है, बिकॉज ये वो जगह है जहां पे हम लोग तकरीबन 15 साल रहे हैं. यहां पर एक अपार्टमेंट थे, यहां पहले रहते थे, तो इसलिए जब यहां पे आता हूं तो मुझे वो फीलिंग आती है. मेरा काफ़ी बचपन यहां पे गुजरा है इस रोड पे, डिफरेंट शॉप्स पे. अभी तक ज़्यादातर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ शॉप्स हैं जो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पहले थी. चले अब निकलते हैं यहाँ से. बहुत कुछ चेंज हो गया यार, काफी कुछ यहाँ पे नया बन चुका है, आपको दिखाता हूँ साथ साथ. तो आपको मैंने बताया था कि मैं वहां पे जा रहा हूँ जहाँ काफी टाइम रहे हैं. ये वाले थे हमारे और ये गली थी जहाँ पे मैं काफ़ी खेलता घूमता रहा हूँ. और गली तो तकरीबन सेम ही, चले गली आपको दिखाते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी. मोटरसाइकिल खड़े रहते थे पार्किंग में, पहले रास्ता था हमारा ऊपर जाने का, बिल्कुल वही गेट लगा अभी तक, सब कुछ सेम है. और ये सबसे आखिरी फ्लोर पर हमारा घर था. यहाँ से राइट जाके मस्जिद थी, इसके लेफ्ट साइड पर खाली प्लाट था पहले, अब पता नहीं आगे क्या देखते हैं. अभी तक यहाँ प्लाट खाली है, राइट पर ये मस्जिद है. मार्केट में काफ़ी सर्चिंग की है, सर्चिंग करने के बाद वॉकिंग करने के बाद मुझे समझ आई है कि सब चीज केबल जो है वो सेनेटर की है. ऐसे मुझे 98 मिल रहा था इस जगह से, मक्का वाले से कंफर्म काफ़ी है. अच्छा काम मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पे. अभी मैं वापस जा रहा था तो मुझे एक शॉप नज़र आई, और ये वही शॉप थी जहाँ से मैं बचपन में पेन कॉपी लेता था, स्टेशनरी की शॉप थी. लेकिन अभी ये किटी कैट के नाम से है. तो टाइम बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए और शॉप बदल गई, लेकिन वो बंदा जो है वो अभी तक मुझे वही लग रहा है. तो चले देखते हैं, मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता. ये इनकी शॉप है जी किटी कैट. अस्सलाम वालेकुम वाली साहब. सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. कैसे हैं? पहचाना कि नहीं पहचाना? कुछ मैं बिल्कुल पहचान गया, आपका गेटअप बिल्कुल चेंज हुआ है और आपका चेहरा हम नहीं भूले हैं और आपका अखलाक नहीं भूले हैं. थैंक यू वेरी मच अली भाई, कैसे हैं? आवाज रेट अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का. मैं जरा अली भाई हैं, इनकी मुझे भी बहुत बड़ी है मेरी तरफ. तो हम जब इनके पास पहले आते थे तो ये बड़े थे, हम छोटे थे. अब मैं बड़ा लग रहा हूँ, ये छोटे लग रहे हैं. इनकी इनकी सेहत देखे कितनी अच्छी सेहत, अभी तक ये यंग लग रहे हैं. तो आप बताइए, ये तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, क्या हुआ आपके पास? तो आपकी पहले बुक्स की शॉप थी, तो ये चेंज क्यों कर दिया आपने? असल में जिस टाइम आप बुक करते थे ना, उस टाइम इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था और इतना एक्टिविटी लोगों के पास नहीं होती थी, कि ज़्यादातर लोगों का जो रुझान था पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होता था या खेल की तरफ ज़्यादा होता था. अच्छा, अब लोगों के टोटल मशागिल ही चेंज हो गए, या उनके पास मोबाइल है, या उनके व्लॉग बन रहे हैं आपकी तरह, पेट लवर बन गए. तो वक्त के साथ फिर ये है कि चेंजिंग होगी इसमें. इसलिए आपने सारा पेट का सामान रख लिया? ये सारा इसी तरीके से पेट का सामान आ गया. टोटली आपको पेट एक्सेसरीज और पेट फूड के हवाले से, कैट डॉग के हवाले से. जो लोग पिंडी में आइए, आप यहाँ पर इनके पास आए, बहुत ही नाइस और नफीस इंसान है. मैं इनको बचपन से जानता हूँ, बहुत ही नाइस है ये. और इनके पास आप जो पिंडी के लोग इनके पास आए, आपको इनके पास चीज़ अच्छी मिलेगी, एक नंबर मिलेगी. और ये इनसे मेरी मुलाकात शायद तकरीबन 15 साल के बाद हो रही है. देखें, हम दोनों धर्म को पहचान लिया. ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह अगर जिस भाई ने भी आना हो, इनके रेफरेंस से आए, इंशाल्लाह उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा शाइन मार्ट के हवाले से. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अली भाई, थैंक यू वेरी मच. क्यों मुस्तफा साहब, कितनी देर लग जाएगी लगाने के लिए? रात लग जाएगी पहले? हो जाएगी रात से पहले ही लग जाएगी इंशाल्लाह. चले इंशाल्लाह कोशिश करते हैं. ये वाली हमारी ओल्ड
वाली थी जो कि ख़राब हो गई है, काम करना छोड़ दिया उसने। रात के 2 बज गए हैं अभी तक, बेल शट करते करते मसवा ने कहा था रात को पहले हो जाए, शाम हो जाए। मसवा का साथ है, अब ठीक हो गया जी जी। न्यूट्रल न्यूट्रल कॉमन करनी ताले दी, ठीक है ठीक है। जोर दिया दो में पॉजिटिव ना लगनी आ गया। ओके चलो सामान चुको अंदर ले। अभी लग चुकी है बेल और ये हेलो अनलॉक करो डोर, खुल गया ठीक है।